मूवी की शुरुआत में हमें सन 1050 का समय दिखाया जाता है, जहां वाइकिंग्स का सरदार गुडब्रैंड अपने गुट के साथ नॉर्मैंडी में लूट के लिए जाता है। वो एक मठ पर हमला करते हैं। वहां मठ के एक खुफिया कमरे में उन्हें एक नन्हा भेड़िया मिलता है, जिसे लेकर वो वापस नॉर्वे के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनका जहाज़ नॉर्वे तक पहुँचे, वो सारे वाइकिंग्स मारे जाते हैं और वो नन्हा भेड़िया किनारे पर आकर नॉर्डिक के जंगलों में बस जाता है। और फिर 1000 साल बाद कहानी आज की मॉडर्न एरा में पहुंचती है और हम एक लड़की थाले को देखते हैं, जो अपनी छोटी बहन जो डेफ एंड म्यूट है और स्टेप फादर और मॉम के साथ नाइबो नाम के एक छोटे से शहर में रहने आई है और नई जगह और नए स्कूल में फिट होने की कोशिश कर रही है। थाले की अपनी मॉम से अक्सर बहस होती है, क्योंकि उसकी रियल डैड की डेथ के बाद उनके बीच में दूरी आ गई है और वो अपने स्टेप फादर से भी ज़्यादा क्लोज नहीं है। थाले अपने नए क्लासमेट्स के साथ हैंग आउट करने जाती है। वहाँ जोनस नाम का एक लड़का उसे नई जगह से रूबरू कराने लगता है, पर एक दूसरी लड़की एलिन को ये बात पसंद नहीं आती। जोनस और एलिन इस बारे में बहस करने लगते हैं। थाले उनकी बातें सुन लेती है और अनकम्फर्टेबल फील करती है। वो वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी उसे एलिन की चीख सुनाई देती है। जब वो उस ओर देखती है तो पाती है कि एलिन बुरी तरह जख्मी है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि इसी बीच पीछे से कोई उस पर भी हमला कर देता है। उसके कंधे पर चोट लग जाती है। थाले नीचे गिर पड़ती है। थाले जब एलिन की ओर देखती है तो पाती है कि कोई उसे जंगल की झाड़ियों में खींच लेता है और वो देखते ही देखते गायब हो जाती है। थाले डर से चीखने लगती है। हम देखते हैं कि एलिन और थाले के साथ जोनस भी जख्मी हो गया है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ आती है। पूरा एरिया सील हो गया है और थाले की मॉम, जो कि खुद पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी वहाँ आती हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिन मिसिंग है और वो मेयर की बेटी है, तो ये केस प्रायोरिटी बेसिस पर है। जब उन्हें पता चलता है कि थाले भी उसी क्राइम सीन पर मौजूद थी, तो वो भागकर उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो, यहाँ क्या हुआ था? थाले बहुत ज़्यादा शौक में है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को खून से सना फ़ोन और भेड़िए का एक नाखून मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उस जगह पर मौजूद स्टूडेंट से पूछताछ करती है, पर उन्हें कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। थाले की मॉम श्योर है कि ये काम किसी वुल्फ का है, पर उसके कोलीग्स ये बात मानने को तैयार नहीं होते। कुछ ही समय बाद थाले की मॉम को पुलिस टीम से पता चलता है कि एलिन की लाश मिल गई है। उसकी पूरी बॉडी पर खरोचे हैं और बाइट मार्क्स हैं। उसका बाजू भी धड़ से अलग है और बॉडी को देख कर लगता है जैसे उसे काफ़ी समय तक घसीटा गया हो। इसीलिए पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी वुल्फ का काम है। वो थाले की मॉम को एक शख्स का नंबर देती है और कहती है कि वो इस तरह के प्रेडिटर्स के एक्सपर्ट हैं। उधर थाले को अजीब से विजन्स आ रहे हैं। जब वो पुल के ऊपर से जा रही होती है तो दूर से क्राइम सीन की तरफ देखती है, तो उसे दिखता है कि जंगल के बीच एलिन उसे पुकार रही है, पर अगले ही पल वहाँ कोई नहीं होता। उधर हम उस शख्स को देखते हैं जिसका नंबर डॉक्टर ने थाले की मॉम को दिया था। वो विलियम नाम के एक एक्सपर्ट को इस काम के लिए असाइन करता है, ताकि वो पता लगा सके कि एलिन की मौत के पीछे वुल्फ ही है या कुछ और, क्योंकि नॉर्मली वुल्फ इंसानों को नहीं मारते। विलियम भी इस काम के लिए राज़ी हो जाता है। हम देखते हैं कि लार्स ब्रॉडिन नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो कहता है कि मुझे पुलिस चीफ से बात करनी है एलिन की मौत के बारे में। वो थाले की मॉम से मिलता है और कहता है, क्या आपने कभी लाइकेंथ्रोप के बारे में सुना है? आप और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। वो पूछती हैं कि आप इतना श्योर कैसे हैं? तो वो जवाब देता है, क्योंकि मैं इस चीज़ का शिकार अपनी पूरी ज़िंदगी करता आया हूँ और ये चीज़ एक फेयर वुल्फ है, और इससे पहले कि इन्फेक्शन फैले उसे रोकना होगा, उस ब्लड लाइन को तोड़ना होगा। थाले की मॉम को इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। ब्रोडिन कहता है कि ठीक है, पर अगर आपको शिकार में मदद चाहिए हो तो मैं आपको कैंपिंग ग्राउंड में मिलूँगा। जब तक वो बीस्ट मारा नहीं जाता मैं वहीं रहूँगा, और मेरी सलाह मानो तो उसे ऐसी जगह ढूँढो जहाँ वो छुप सके। और थाले की मॉम को एक सिल्वर बुलेट दे के वो कहता है कि सिर्फ यही एक ज़रिया है उसे रोकने का। उधर थाले को अजीब से सपने आने लगते हैं, जैसे कि वो ब्लड के पूल में फ्लोट कर रहे हो, और उसे अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इधर विलियम थाले की मॉम से मिलता है और एलिन के घावों का इंस्पेक्शन करता है। वो बताता है कि सारे घाव किसी एक जानवर के दिए हुए हैं, तो किसी एक बहुत बड़े जानवर ने ये काम किया है। यहाँ थाले की मॉम विलियम को वो नाखून दिखाती है जो उसे क्राइम सीन से मिला था। विलियम कहता है कि ये बाइट मार्क्स किसी नॉर्मल वुल्फ के बाइट मार्क्स से कहीं ज़्यादा बड़े हैं।
पर यह नाखून किसी वुल्फ का ही है और वून से फिट हो रहा है, पर एक नॉर्मल वुल्फ के नाखून के मुकाबले ये काफ़ी बड़ा है। थाली की मॉम पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वुल्फी है, तो विलियम कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इस बेस पर पुलिस टीम को हंटिंग परमिट मिल जाता है और वो जंगल में वुल्फ को ढूंढने लगते हैं। उधर थाली को क्लास के दौरान अजीब सी चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं, वो इस सबसे परेशान हो जाती है। वो बाथरूम में जाती है तो एक दरवाजे के पीछे उसे किसी की बुरी तरह से रोने की आवाज़ आती है। अचानक वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और वहाँ उसे एलिन दिखाई देती है जो रो रही है और कह रही है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे क्यों मरने दिया। थाली डर जाती है, पर अगले ही पल एलिन वहाँ से गायब हो जाती है। थाली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हो रहा है, वो परेशान है और रोने लगती है। उधर पुलिस सर्च कंटिन्यू करते हुए पुरानी खदान के पास पहुँचती है। थाली की मॉम सर्च के लिए अंदर चली जाती है, उन्हें वहाँ एक लाश मिलती है जो बुरी तरह से डिके हो चुकी है। तभी उन्हें बाकी टीम मेंबर्स की चीखने की आवाज़ आती है क्योंकि उन पर किसी ने हमला कर दिया है। पूरी टीम में हफरा तफरी मच जाती है। जैसे ही थाली की मॉम मदद के लिए खदान से निकलने की कोशिश करती है, तभी वो अपने सामने एक खूंखार वुल्फ को पाती है। वो भेड़िया उनकी ओर आगे बढ़ता है तो वो पीछे बड़े गड्ढे में गिर जाती हैं। वो भेड़िया उन पर फिर से अटैक करता है। वो लगातार उस वुल्फ पर शूट करती है, पर उस पर तो उन गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा। और फाइनली जब सारी गोलियां ख़त्म हो जाती हैं तो उनके हाथ में ब्रोडिन की दी हुई वही सिल्वर बुलेट आती है। वो उसी से भेड़िए को शूट करती हैं और वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाती हैं। वो भेड़िया वहीं ढेर हो जाता है। शहर में सबको लगता है कि वुल्फ मारा गया, तो फिलहाल सब चैन की सांस लेते हैं। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इस बात से सब अनजान है। रात में थाली की छोटी बहन कुछ आवाज़ सुनती है और नींद से उठ जाती है। वो थाली को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़ा पाती है और उसे वापस घर के अंदर ले आती है। वो थाली को बताती है कि वो नींद में चल रही थी। थाली कहती है कि मैं बस थकी हुई हूँ और कई महीनों से ठीक से सोई नहीं हूँ। उसकी बहन उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगी। थाली उसे प्यार से गले लगा लेती है और फिर सो जाती है। उधर विलियम थाली की मॉम को उस वुल्फ की ऑटोप्सी के बाद बताता है कि उसकी मौत लीड की गोलियों की वजह से नहीं बल्कि उस सिल्वर बुलेट से हुई है, क्योंकि लीड बुलेट ने उसके हार्ट और लंग पर हिट किया था, फिर भी वो बच गया। और सिल्वर बुलेट से एक केमिकल रिएक्शन हुआ जो हेमरेज की वजह बना और उसकी मौत की वजह भी। और वो नाखून जो एलिन की क्राइम सीन से मिला था वो इसी वुल्फ से मैच कर रहा है, पर वुल्फ का नया नाखून उगाया था। थाली की मॉम पूछती है कि क्या ऐसा म्यूटेशन वुल्फ्स में पॉसिबल है, तो विलियम कहता है कि वुल्फ्स में तो नहीं, पर हाँ वेयरवुल्फ्स में पॉसिबल है, पर वेयरवुल्फ्स तो सिर्फ कहानियों और किस्सों में होते हैं। अब थाली की मॉम विलियम को ब्रॉडिन के पास ले जाती है और कहती है कि आप इसे भी वही बताएं जो मुझे बताया था वेयरवुल्फ्स के बारे में। ब्रॉडिन कहता है कि जिस वेयरवुल्फ को तुमने मारा वो काफ़ी समय से घूम रहा है, मैं 2 सालों से उसका पीछा कर रहा हूँ जब उसने फिनलैंड में एक लड़के को मारा था। वाइकिंग्स उसे यूरोप में 12वीं सदी में लाए थे, पर उसका असली ओरिजिन क्या है किसी को ठीक से नहीं पता। इंसान हमेशा से ताकतवर जानवरों की शक्तियों को पाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उसी का नतीजा ये निकला। और ये सिलसिला तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इस ब्लड लाइन का आखिरी वुल्फ मारा नहीं जाता। हो सकता है कि इस वुल्फ ने किसी और को भी काटा हो और अब तक वो इंसान भी वुल्फ बन चुका हो। वहाँ थाली जोनस से मिलने जाती है। जब वो बात कर रहे होते हैं उसी बीच जोनस के डैड का फ़ोन आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। थाली की नज़र फुल मून पर जाती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस होने लगते हैं, वो घबरा जाती है। इसी बीच जोनस वापस आता है और देखता है कि थाली मुँह छुपाए रो रही है। जोनस पूछता है कि तुम ठीक तो हो, पर थाली उसे करीब आने से रोक देती है। पर जोनस को उसकी फिक्र है। वो जैसे ही उसके पास जाता है थाली उसे देखती है और हम पाते हैं कि उसका पूरा चेहरा बदल चुका है। अगले ही पल वो जोनस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अगले दिन पुलिस को जोनस की लाश मिलती है। उधर थाली को होश आता है और वो खुद को खून से लथपथ पाती है और अचानक उसके मुँह से जोनस की कटी हुई उंगली निकलती है। वो घबरा कर खुद को आईने में देखती है और अपनी बदली हुई शक्ल देख कर बहुत डर जाती है। वो शहर छोड़ने का डिसाइड करती है और बस में चढ़ जाती है। शीशे से उसे फुल मून दिखता है और जल्द ही उसकी पूरी बॉडी भेड़िए में तब्दील हो जाती है। उसकी आवाज़ें सुनकर लोग उसकी ओर देखते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए या कर पाए,
थाली उन पर हमला कर देती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। थाली की मॉम को इस बात की खबर दी जाती है और वो विलियम के साथ उस जगह पहुंचती है। थाली की मॉम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाली का लॉकेट मिलता है और वो समझ जाती है कि वो नया वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी है। वो विलियम से कहती हैं कि मैं अपनी ही बेटी को नहीं मार सकती, तो विलियम कहता है कि अगर मैं उसके करीब पहुँच जाऊँ तो उसे बेहोश कर सकता हूँ। उधर थाली की बहन अपने घर पर ड्राइंग कर रही है, तभी वो अपने पीछे कुछ महसूस करती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ एक वुल्फ को पाती है। वो एकदम सहम जाती है, वो मदद के लिए भी नहीं चिल्ला सकती, पर जब वो वुल्फ की आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि ये उसकी अपनी बहन है। तभी उनका स्टेप फादर आता है और वो वुल्फ पर हमला कर देता है। वो थाली की बहन को बचाने के लिए वुल्फ को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसे जल्दी से लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस सब में थाली के स्टेप फादर को चोट लग जाती है, इसीलिए वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। थाली के स्टेप फादर को थोड़ा होश आता है और वो थाली की बहन को छिपने को कहता है। वेयरवुल्फ यानी थाली भी सबका पीछा करते हुए टाउन आ जाती है और वो बहुत सारे लोगों पर हमला कर देती है। सब तरफ हड़कंप मच जाता है। थाली की बहन उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे साइन लैंग्वेज में बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगी। तभी वहाँ थाली की मॉम और विलियम भी आ जाते हैं। वुल्फ उन पर भी हमला कर देती है और उससे बचने के लिए तीनों एक केबिन में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाता है कि तभी अचानक एक रोशनी आती है और हम देखते हैं कि ब्रोडिन अपनी गाड़ी से उस वेयरवुल्फ पर अटैक करता है और उसे केबिन में घुसा देता है। ब्रोडिन भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ वो वुल्फ उस पर हमला कर देता है और ब्रोडिन वहीं मर जाता है। अब थाले यानी कि वेयरवुल्फ अपनी माँ पर भी हमला कर देती है। थाले की मॉम किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती है। विलियम भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि वो भी बुरी तरह से ज़ख्मी है। उसका हाथ पास में पड़े हुए ट्रैंक्विलाइज़र को नहीं उठा पा रहा। तभी थाली की बहन हिम्मत करके बाहर आती है और अपनी माँ और बहन को बचाने की खातिर वो उस ट्रैंक्विलाइज़र को उठाकर वेयरवुल्फ को लगा देती है। थाली बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थाली की मॉम अपनी बेटी यानी उस वेयरवुल्फ के सामने खड़ी होती है और रो रही होती है। उसे अपनी बेटी के लिए बहुत अफसोस है। वो उसे कैसे मार सकती है, पर वो उसे ऐसे खुलेआम लोगों को मारने के लिए भी नहीं छोड़ सकती। वो सिल्वर बुलेट अपने गन में डालती है और उसे थाले की ओर पॉइंट करती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि थाले की मॉम अपनी नॉर्मल पुलिस जॉब के बाद घर आती है और उस सिल्वर बुलेट को थाले की फ़ोटो के सामने रख देती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उन्होंने थाले को नहीं मारा, क्योंकि हम उनको लिटरली गन चलाते हुए नहीं देखते या फिर हमें गन शॉट की आवाज़ नहीं आती। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सच में थाले को मार दिया हो और बाद में सिल्वर बुलेट उसकी बॉडी से निकाल ली हो, क्योंकि जब उन्होंने पहले वुल्फ को बुलेट से मारा था तो यही किया था। पर मैं पहली वाली थ्योरी के साथ जाना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे पॉजिटिव एंडिंग्स पसंद हैं और थाले का जिंदा होना एक तरह से पॉजिटिव एंडिंग होगी, क्योंकि सब में देखा जाए तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस हो गया उसके साथ। फिल्म को एक ओपन एंडिंग दी गई है तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स इस मूवी के पार्ट 2 की तैयारी में हो, जिसमें हमें थाले की आगे की कहानी देखने को मिले, या फिर प्रीक्वल जिसमें हम उस नन्हे वेयरवुल्फ की ओरिजिन की कहानी देखें। मेरे ख्याल से वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।